इंडिया की फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी, जिनके नाम से एक समय पर भारत के बड़े बड़े राजनेता थर थर कांपते थे, जिन्होंने भारत के सबसे बड़े दुश्मन पाकिस्तान को एक बार नहीं बल्कि कई बार घुटनों पर ला दिया था, जिनके बिना भारतीय राजनीति की कहानी बिल्कुल अधूरी है। कहा जाता है कि इंदिरा गांधी का व्यक्तित्व जितना मजबूत था, उनकी समझ और विचार उतने ही बुलंद थे। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इंदिरा गांधी के जीवन में भी एक ऐसा समय आया था जब वो पूरी तरह से टूट चुकी थी, जब उन्हें मजबूरी में अपने 2 साल के पोते से अलग होना पड़ा था, और कैसे उन्होंने पाकिस्तान के राष्ट्रपति की बोलती बंद करवा दी थी, और क्यों इंदिरा गांधी के अंगरक्षक ने ही कर दी थी उनकी हत्या। आज हम श्रीमती इंदिरा गांधी के जीवन से जुड़ी ऐसी ही कुछ अनसुनी कहानियों से पर्दा उठाएंगे। लेकिन उसके पहले नए दर्शक चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए। आज का दिन है, एक प्रकार से हम कह सकते हैं कि आंसू का दिन है उनके लिए, जो करोड़ों की संख्या में जिन्होंने अपनी जानें दी, चाहे आज़ादी की लड़ाई में, चाहे आज़ादी के बाद उस आज़ादी को बचाने के लिए, उन लाखों के लिए जो घायल हुए, जिनके परिवार बर्बाद हो गए। लेकिन भारत आंसुओं का देश नहीं है। इंदिरा गांधी के दिल में बचपन से ही देशभक्ति कूट कूट कर भरी हुई थी, और उनके बारे में लिखने वाले इससे जुड़ा एक दिलचस्प किस्सा बताते हैं। तो साल 1920 से 22 के बीच महात्मा गांधी ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ बहिष्कार आंदोलन चलाया था, जिसके साथ उनके स्वदेशी आंदोलन ने भी जोर पकड़ा था। उस दौरान लोग जोर शोर से इस आंदोलन में हिस्सा ले रहे थे और विदेशी सामानों को जलाया जा रहा था। इसी बीच 1922 में महज 5 साल के इंदिरा ने इस आंदोलन का हिस्सा बनते हुए अपनी सबसे पसंदीदा गुड़िया यानी टॉय डॉल को जला दिया था, जो इंग्लैंड से आई थी। इंदिरा गांधी को खत लिखना बेहद पसंद था। वो किसी को भी गिफ्ट देने के साथ एक प्यारा सा नोट लिखती और कई बार अपने दोस्तों को लंबी लंबी चिट्ठियां भी लिखती थी। 1977 में जब इंदिरा गांधी लोकसभा चुनाव हार गईं, तो उन्होंने उन शहरों का रुख किया जहां जनता के साथ अन्याय हो रहा था। वो मोरबी में बाढ़ पीड़ितों से मिलने पहुंची, फिर वो बंगाल गईं और उन्होंने आजमगढ़ उपचुनाव को अपनी वापसी का रास्ता चुना, जहां कांग्रेस की तरफ से मोहसिना किदवई को चुनावी मैदान में उतारा गया और चुनाव प्रचार का पूरा भार इंदिरा ने अपने कंधों पर ले लिया, जिसके लिए वो पूरे 5 दिन तक आजमगढ़ में रुकी। मई की गर्मी में इंदिरा गांधी ने पूरे 5 दिनों तक रात भर प्रचार किया। उस समय जॉर्ज फर्नांडिस एक चुनावी जनसभा को संबोधित कर रहे थे, तभी वहां से इंदिरा गांधी की कार गुजरी, तो पूरी जनता जॉर्ज की सभा को छोड़कर इंदिरा की तरफ दौड़ी चली गई। श्रीमती इंदिरा गांधी ने तब आजमगढ़ की जनता से बात करते हुए उनकी परेशानियों के बारे में जाना और फिर एक ही जगह गाड़ी रुकवा कर खुद हैंडपंप से पानी निकाला और हाथ धोकर उन्हें अपनी साड़ी के किनारे से पूछा, जिसके बाद उन्होंने उन्हें फॉलो करते हुए वहां आए सभी लोगों को नमस्कार किया। उस वक्त की एक दिलचस्प घटना ये थी कि मोहसिना किदवई ने अपने नाम से रेस्ट हाउस में इंदिरा गांधी के लिए रूम बुक कराया था, मगर जब वो वहां पहुंची तो गार्ड ने मोहसिना से कहा कि कोई कमरा खाली नहीं है, रेस्ट हाउस में मंत्री मसूद साहब रह रहे हैं, उन्होंने साफ साफ हुक्म दिया है कि कोई कमरा ना खोला जाए। तभी मोहसिना ने गार्ड से सिर्फ इतना ही कहा कि मैंने ये कमरा इंदिरा गांधी के लिए बुक करवाया था, तो गार्ड पानी पानी हो गया। वो दौड़ते हुए रेस्ट हाउस में पहुंचा और उसने सभी कमरे खोल दिए। इसी से आप समझ सकते हैं कि लोग इंदिरा गांधी की कितनी रिस्पेक्ट करते थे। मित्रों, 60 साल की उम्र में भी इंदिरा गांधी जैसी फूर्ति शायद ही किसी नेता में थी। इंदिरा रोज सुबह 6 बजे उठती, योगा करती और सर्दी के मौसम में भी ठंडे पानी से नहाती थी और 8 बजे तक तैयार होकर बाकी कामों में जुट जाती थी। जब इंदिरा गांधी चुनाव प्रचार करती थी तो पूरा दिन व्यस्त रहने के बावजूद उनके चेहरे पर एक शिकन भी नहीं दिखाई देती थी। बताया जाता है कि जब प्रचार करते रात हो जाती तो वो कार में बैठे बैठे अपने दोनों घुटनों के बीच सीट पर टॉर्च रखकर जला लेती थी, जिससे उसकी रोशनी उनके चेहरे पर पड़े और उनकी झलक देखने आए लोगों को उनका चेहरा स्पष्ट रूप से दिख सके। चिकमंगलूर के उपचुनाव के दौरान श्रीमती इंदिरा गांधी ने सिर्फ मूंगफली और फल खाकर लगातार 18 घंटे तक प्रचार किया था। कहा जाता है कि पीएम इंदिरा गांधी देश की सेवा के लिए 24 घंटे 365 दिन काम करती थीं। श्रीमती इंदिरा गांधी कभी किसी से डरती नहीं थी।
अगर किसी की बात उन्हें पसंद नहीं आती तो वो तुरंत उसके खिलाफ आवाज उठाती थी। ये बात तब की है जब प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति महमूद जियाउल हक की बोलती बंद करवा दी थी। दरअसल साल 1980 में इंदिरा गांधी जिम्बाब्वे के स्वतंत्रता दिवस के समारोह में हिस्सा बनने हरारे पहुंची थी, जहां पाकिस्तान के राष्ट्रपति जियाउल हक को भी निमंत्रित किया गया था। हक साहब ने श्रीमती इंदिरा गांधी से मिलने के लिए समय मांगा। जब पीएम इंदिरा गांधी की उनसे मीटिंग हुई तो हक कड़ाके की बात कर रहे थे। उन्होंने कहा कि मैडम, प्राइम मिनिस्टर, प्रेस में मेरे बारे में जो भी लिखा जा रहा है उस पर यकीन मत कीजिएगा। तभी मौका मिलते इंदिरा गांधी ने नहले पर दहला मारते हुए कहा, राष्ट्रपति महोदय, बिल्कुल नहीं। अगर प्रेस वालों को कुछ पता होता तो वो आपको डेमोक्रेट और मुझे डिक्टेटर कभी ना कहते। जिससे जियाउल हक को मिर्ची लगी और उन्होंने कहा कि जब मोरारजी देसाई भारत के प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने हमारे साथ अच्छे रिश्ते कायम कर लिए थे। जिस पर इंदिरा गांधी तुरंत बोल उठी कि शायद आप भूल रहे हैं कि देसाई अब भारत के प्रधानमंत्री नहीं है। अब राष्ट्रपति हक के पास कहने सुनने के लिए कुछ बचा ही नहीं था, तो उन्होंने इंदिरा गांधी को एक किताब भेंट की और वहां से चले गए। मगर जब इंदिरा गांधी ने वो किताब खोली तो वो गुस्से से आग बबूला हो गई। उन्होंने ये किताब तुरंत पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय को लौटा दी, क्योंकि इस किताब में पूरे कश्मीर को पाकिस्तान का हिस्सा दिखाया गया था। हाल में हमारे एक पड़ोस में भी एक झगड़ा उठा। आपको तो मालूम है कि हमारी नीति हमेशा दोस्ती की रही है और हमने कोई रास्ता नहीं छोड़ा जिससे कि दोस्ती और मजबूत न हो, चाहे पाकिस्तान से या बांग्लादेश या नेपाल या श्रीलंका। इंदिरा गांधी के बारे में लिखने वाले बताते हैं कि उनके जीवन का सबसे बुरा वक्त था जब उन्होंने अपने छोटे बेटे संजय गांधी को हमेशा हमेशा के लिए खो दिया था। दरअसल राजनीति में दिलचस्पी रखने वाले संजय गांधी एक कुशल पायलट भी थे और 23 जून 1980 के दिन जब वो अपना प्लेन उड़ा रहे थे तब एक क्रैश में उनकी दुखद मौत हो जाती है। लेकिन हैरान करने वाली बात तो ये थी कि जिस दिन उनका क्रैश हुआ उससे एक दिन पहले ही वो अपनी बीबी मेनका गांधी के साथ उसी प्लेन में सैर के लिए गए थे और घर आकर मेनका ने इंदिरा गांधी को शिकायत करते हुए कहा था कि माँ जी, आप संजय को कहिए कि वो प्लेन कभी ना उड़ाएं। और इंदिरा गांधी ने संजय को वो प्लेन उड़ाने से मना किया था, लेकिन अगले दिन संजय उसी प्लेन को उड़ाने जाते हैं और कभी वापस नहीं लौटते। इंदिरा गांधी पर किताब लिखने वाली सागरिका घोष कहती हैं कि इंदिरा गांधी उस दिन इतनी टूट चुकी थी कि वो प्लेन क्रैश वाली जगह पर दो बार गई थी और उन्होंने डॉक्टर से कहा था कि डॉक्टर, मेरा दाहिना हाथ कट गया। मगर यहां भी उनसे नफरत करने वाले कुछ लोगों ने यह बात फैलाई कि इंदिरा गांधी दूसरी बार वहां इसलिए गई थी क्योंकि शायद संजय के पास एक डायरी और कुछ लॉकर्स की चाबियां थी जो इंदिरा गांधी को चाहिए थी। बताया जाता है कि संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा का अपने पोते वरुण गांधी से लगाव काफी बढ़ गया था, मगर वहीं संजय की बीवी मेनका की कुछ हरकतों से इंदिरा गांधी काफी दुखी थी और इंदिरा गांधी के सब्र का बांध तो तब टूटा जब मेनका ने परिवार के खिलाफ जाने का निर्णय ले लिया। दरअसल इंदिरा गांधी के बड़े बेटे राजीव गांधी को शुरू से ही राजनीति में कोई दिलचस्पी नहीं थी, मगर संजय गांधी की मौत के बाद इंदिरा गांधी को अपना उत्तराधिकारी चुनना जरूरी था और संजय की बीवी मेनका मानती थी कि वो ये काम कर सकती हैं, मगर इंदिरा गांधी ने अपने बड़े बेटे राजीव को चुना। हालांकि राजीव और उसकी बीवी सोनिया गांधी मेनका को बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे और उनका कहना था कि मेनका को गांधी परिवार से दूर करना पड़ेगा और अगर मेनका नहीं गई तो हम चले जाएंगे, लेकिन इंदिरा ने मेनका का हाथ थामे रखा था। फिर मेनका ने सबसे बड़ी गलती कर दी। दरअसल पार्टी में कुछ लोग ऐसे थे जो राजीव गांधी को अपनाना नहीं चाहते थे। उन्हीं में से एक कार्यकर्ता अकबर अहमद डंपी ने मार्च 1982 में लखनऊ में एक सभा का आयोजन किया जिसमें संजय गांधी की लेगेसी को याद करने के साथ ये दर्शाना था कि उनके उत्तर प्रदेश में अभी भी कई वफादार विधायक मौजूद हैं जो राजीव गांधी को स्वीकार नहीं करेंगे। जब मेनका को इस सभा का न्योता मिला तो इंदिरा गांधी ने उन्हें वहां ना जाने का आदेश दिया क्योंकि यह सभा एक तरह से परिवार के खिलाफ थी, मगर मेनका गांधी से रहा नहीं किया। वो अपनी सास से आदेश मिलने के बावजूद भी सभा में शामिल हुई और काफी पावरफुल स्पीच दी। हालांकि उस वक्त इंदिरा गांधी लंदन में थी और भारत में लौटकर उन्हें जैसे ही इस बारे में पता चला कि मेनका ने उनके आदेश का उल्लंघन किया है और परिवार के खिलाफ कदम उठाया है तो उनका सब्र का बांध टूट गया, जिसके बाद जब मेनका गांधी दिल्ली वापस आई तो वो सीधा सफदरजंग में मौजूद अपने ससुराल के घर में आ गईं।
अब आगे जो हुआ उसका जिक्र स्पेनिश लेखक हावियर मोरे ने अपनी किताब द रेड साड़ी में किया है। उन्होंने लिखा है कि 28 मार्च 1982 की सुबह मेनका का इंदिरा के साथ आमना सामना हुआ। मेनका ने इंदिरा से अभिवादन किया। जवाब में इंदिरा ने कहा, हम बाद में बात करेंगे, और मेनका अपने कमरे में चली गई। कुछ देर बाद एक नौकर उनके पास खाने की थाली लेकर आया। मेनका ने उनसे पूछा कि आप खाना कमरे में क्यों लाए हो। जवाब मिला, श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा कि वह नहीं चाहती कि आप दोपहर के खाने में परिवार के बाकी सदस्यों के साथ शामिल हों। बता दी कि इंदिरा गांधी दिन का भोजन हमेशा परिवार के साथ करती थी। ऐसे में खाने का न्योता न मिलने पर मेनका को अंदाजा लग गया था कि आज कुछ बुरा होने वाला है। खैर, एक घंटे बाद नौकर वापस आया। उसने मेनका से कहा कि श्रीमती गांधी ने आपको बुलाया है। लेखक हावियर मोरे आगे लिखते हैं कि सीढ़ियों से नीचे जाते हुए मेनका के पैर कांप रहे थे। वो मीटिंग हॉल के बाहर इंतजार कर रही थी। इंतजार लंबा होता जा रहा था। इस दौरान मेनका एक छोटी लड़की की तरह अपने नाखून चबा रही थी। अचानक उन्होंने शोर सुना और इंदिरा दिखाई थी। गुस्से में नंगे पांव इंदिरा ऑफिस से बाहर निकली। उस वक्त उनके साथ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी और सचिन धवन भी थे। तभी इंदिरा गांधी मेनका पर चिल्लाते हुए बोली, फौरन घर से निकल जाओ। मैंने तुमसे कहा था कि लखनऊ की सभा में मत जाना, लेकिन तुमने वही किया जो तुम चाहती थी, और तुमने मेरी बात नहीं मानी। तुम्हारे हर एक शब्द में जहर था। तुम्हें क्या लगता है मैं सब देख नहीं सकती? इस शहर को अभी छोड़ दो और अपनी माँ के घर वापस चली जाओ। जिसके कुछ देर बाद मेनका अपने 2 साल के छोटे बेटे के साथ जाने के लिए तैयार हो गई, मगर अपने पोते वरुण में इंदिरा गांधी की जान बसती थी, इसलिए उन्होंने अपने वारिस को रोकने के लिए कई पैंतरे अपनाने की कोशिश की। लीगल टीम को भी काम पर लगाया, लेकिन सलाहकारों ने उन्हें ऐसा समझाया कि यह संभव नहीं हो पाएगा, और मेनका वरुण को लेकर चली गई। इस तरह अपने बेटे को हमेशा हमेशा के खोने के 2 साल बाद ही इंदिरा को अपने जिगर के टुकड़े वरुण से भी अलग होना पड़ा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। लेकिन क्या था ऑपरेशन ब्लू स्टार, और क्यों की गई श्रीमती इंदिरा गांधी की हत्या? अगर आप भी इन सवालों के जवाब चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, और ऐसी ही दिलचस्प और अनसुनी कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पास वाली घंटी जरूर बजा दीजिए। धन्यवाद।